नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा निगम और आप देख रहे हैं आज की नई नौकरी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नए नए फार्मों की। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में, आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा वेयर, देखिए वेयर इज माई ट्रेन, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। तो देखिए मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो दोस्तों इसका डाउनलोडिंग की बात करें तो यह एप्लीकेशन को 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर रखा है। और इसका रेटिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 4.7 की रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है दोस्तों। तो दोस्तों यह एप्लीकेशन भी अच्छा है। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन करके बताते हैं कि, तो देखिए दोस्तों एप्लीकेशन ओपन हो गई और आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन में कोई भी स्टेशन से आपको कहाँ पर जाना है आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गाजीपुर सिटी से, मान लीजिए कानपुर अनवरगंज पर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर गाड़ी खोजे और यहाँ पर लिखा हुआ है आगमन प्रस्थान। तो दोस्तों चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये सेटिंग है, आपको यहाँ पर लैंग्वेज भी यहाँ पर से सेट कर सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज आपको समझ आती है आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया हुआ हूँ और सबमिट पर कर दिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा हिंदी सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पर देख लीजिए खोज हिस्ट्री मिटा दे, यानी जो आप इसमें खोजे हुए हैं उसे मिटा भी सकते हैं। समस्या रिपोर्ट करें, सेटिंग्स में जाएं दोस्तों, देखिए सेटिंग्स में क्या क्या सब सेटिंग्स आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाषा सेटिंग है, समय सेटिंग्स है और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम बैक करते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि आपको कौन से स्टेशन से कहाँ कहाँ पर जाना है। तो आप यहाँ पर सिंपली गाड़ी खोजे पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ट्रेन आ गई दोस्तों। यहाँ पर देखिए सुवलदेव सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो दोस्तों देखिए जो आपको ग्रीन कलर में आएगा नज़र, तो देखिए जो ट्यूजडे है और सैटरडे है वो ग्रीन कलर में आ रहा है। तो दोस्तों इस दिन यह ट्रेन चलती है और यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 145 रुपये यहाँ पर टिकट है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं स्लीपर 3A AC 3 टीयर, और यहाँ पर देखिए काफ़ी यहाँ पर सीट है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अभी मैं जनरल पे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे अभी नहीं मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने देखिए रूट आ जाएगा दोस्तों, यह ट्रेन किस तरह जाती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल यह ट्रेन पहुँच गई है, यानी अंत हो गई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शुरू में हम ले जाकर आपको देखते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए आप गाजीपुर सिटी से सिलेक्ट किए थे और आपको कानपुर अनवरगंज तक आप इस ट्रेन से जाना था दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रारंभ, और देखिए यहाँ पर 4 बजे से यह प्रारंभ हो गई थी दोस्तों यह ट्रेन, और आपको कानपुर कब तक पहुँचा दी थी तो आप यहां से देख सकते हैं। यानी जो देखिए जो ब्लू में नज़र आ रहा है वो आपकी जो रूट है दोस्तों, आप जहां तक जाना था कानपुर सेंट्रल तक, आपको यहां पर 4:43 यानी सुबह में यह ट्रेन आपको पहुंचा दी थी। और यह ट्रेन यहां पर आ गई है, आनंद विहार टर्मिनल आ गई है। यहां पर देखिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए बीता, यानी देख सकते हैं दोस्तों बीता हुआ कल है, और कैलेंडर से चुने परसों आज यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुहलदेव एक्सप्रेस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे नॉट रनिंग ऑन द डे, यानी यह ट्रेन आज नहीं चली थी, आपको हम दिखाए थे दोस्तों यह ट्रेन ट्यूजडे और सैटरडे को चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं बैक करके, आप इसी तरह अपने ट्रेन को चेक कर सकते हैं, आपको जहाँ से जाना था और आपको जहाँ पर जाना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर आपको गाड़ी नंबर मालूम है तो आप यहाँ पर गाड़ी नंबर भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए सुवलदेव सुपर
सुपर फास्ट एक्सप्रेस, भृगू सुपर फास्ट एक्सप्रेस, यहाँ पर देखिए काफ़ी ट्रेन है। यहाँ पर मैं सुवलदेव पर डाल रहा हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों यह वही ट्रेन है। तो दोस्तों इस तरह आप आसानी से अपने ट्रेन को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए मैं चेक किया हुआ था, और स्टेशन कोड है या स्टेशन का नाम भी आप डालकर यहाँ पर आगमन प्रस्थान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप PNR, अगर आपके पास PNR कोड है तो आप इसमें टाइप कर इसे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर वॉइस भी दिया गया है, आप यहाँ पर वॉइस पर क्लिक करके आप अपने PNR से ट्रेन को जान सकते हैं। और यहाँ पर टिकट देखिए दोस्तों, यहाँ पर टिकट दिया गया है, तो आपको टिकट जैसे देखना है कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर अपने सीट को देख सकते हैं, यानी हमारी सीट खाली है उस डेट में कि नहीं खाली है। तो यहाँ पर देख ले जाते हैं, यहाँ पर मैं कल पर क्लिक करता हूँ 3 तारीख पर, यहाँ पर ठीक है पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर स्लीपर चाहिए तो आप स्लीपर कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीपर है, AC 3 tier है, AC 2 tier है दोस्तों, प्रथम क्लास AC है। यहाँ पर दिया गया है, तो मान लीजिए मैं स्लीपर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जनरल कोटा पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए तत्काल प्रीमियम, तत्काल निचली बर्थ, महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग, ड्यूटी पास कोटा, रक्षा कोटा पर आप जैसे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जनरल कोटा पर क्लिक करता हूँ और सीट उपलब्धता पर खोज करता। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेयर इज माई ट्रेन, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, यहाँ पर नॉट अवेलेबल, यानी यह ट्रेन अवेलेबल नहीं है, आप कल के लिए अवेलेबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 10:52 पर चलती है शाम से रात से दोस्तों, और यहाँ पर 6:10 पर सुबह आपको पहुंचा देगी जहाँ से आपको जाना है गाजीपुर सिटी से कानपुर सेंट्रल तक दोस्तों। तो यानी यह ट्रेन खाली नहीं है, यहाँ पर 4 फरवरी पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 फरवरी में खाली है दोस्तों, 3 tier खाली है और स्लीपर खाली है दोस्तों। यहाँ पर 132 सीट अवेलेबल है और यहाँ पर 16 सीट अवेलेबल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आसानी से। आप जिस पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ दोस्तों, तो यह सीट खाली नहीं है दोस्तों। तो अगर यहाँ पर 3 dot पर क्लिक कीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए नया समय सारणी लाओ, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा है ये एप्लीकेशन है दोस्तों। हमारे जाने में अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से आसानी से जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, यह चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन फार्म, नए नए फार्मों की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।